Hello guys, welcome to another round of Tekniki Tuesday. Myself Mehul Kothari from Technical and Research and Technical and Derivative Research Desk. Nifty अभी ट्रेड कर रहा है 22,500 के आसपास. हमने देखा एज पर आवर व्यू, हमने पहले भी इससे पहले भी कहा था कि लोअर बैंड ऑफ चैनल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है मार्केट में, और वहीं से निफ्टी घुमा है 21,800 और 900 के बीच से. आज हमने 600-700 पॉइंट्स की नीचे से, आज यानी कि रिसेंटली हमने जो रैली देखी 600-700 पॉइंट्स की, अब यहां पर आगे क्या. देखिए 22,500 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर हम फिर से सस्टेन होते हैं तो यहां पर और भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में. हमें ऐसा लगता है कि जो राइजिंग चैनल है उसका अपर एंड है नियर टू 23,000, तो वहां तक एक बार के लिए निफ्टी में पोटेंशियल है कि वहां तक जाए अगर इलेक्शन में कुछ पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है मार्केट. तो डेटा वाइज बात करूं तो FIs लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 26% के आसपास है, जो ये दर्शाता है कि यहां पर भी इतना सारा पुलबैक आने के बाद भी ओवरसोल्ड है ये डेटा. तो यहां पर ये दर्शाता है कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं है. इवन इफ समथिंग हैपन्स, सम नेगेटिव न्यूज कम्स, सो मार्केट में माइट नॉट सस्टेन एट लोअर लेवल. यहां पर नीचे में सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मार्केट को. सो अपसाइड में 22,500 और उसके बाद 23,000 तक का पोटेंशियल दिख के आता है निफ्टी में. बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट 47,000 पर था, राइजिंग ट्रेंड लाइन और कर्व्ड ट्रेंड लाइन का, तो वहीं से घुमा है बैंक निफ्टी. अब जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक कोई पैनिक की बात नहीं है फिलहाल बैंक निफ्टी में. अपसाइड में यस 50,000 जो हम बार बार बोलते थे, वहां से हल्का सा 25 पॉइंट दूर से वो घूम गया था बैंक निफ्टी, तो अभी भी वो एक स्ट्रांग रेंज है. 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर एक नया मोमेंटम स्टार्ट होगा. सो बैंक निफ्टी का रेंज है 47 एंड 50, इसके ऊपर या नीचे आइदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर आता है तो फर्दर मूव हमें पता चल सकता है. सो ओवरऑल मार्केट कुछ खास नेगेटिव फिलहाल तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सेंटिमेंट्स फिलहाल पॉजिटिव, आने वाले एक दो वीक और पॉजिटिव रह सकता है. उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है, अपर लेवल्स में हमें प्रॉफिट बुक करना है या नहीं, बट फिलहाल बने रहिए, कोई ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है. सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.